फोन कितने पानी में थे, लेट्स सी इन ओलंपिया इंशाल्लाह। बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे किसी बॉडी बिल्डर ने लड़की को प्रपोज कर दिया और किस भी कर दिया। मैसेज मत करना कि आपका गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, चीटिंग हुई, ये हुई, वो हुई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुंबई प्रो शो खत्म हो चुका और बॉडी बिल्डर के रिएक्शन आने लगे। दोस्तों, इमरान खान ने क्यों भुवन चौहान को ओपन चैलेंज किया कि मैं तुमको ओलंपिया में देख लूंगा, तो इस बात पर भुवन चौहान ने इमरान खान को क्या रिप्लाई किया विथ प्रूफ, इसकी कंप्लीट अपडेट लेके आ चुके हैं। एंड दोस्तों, राहुल फिटनेस और तरुण गिल का क्या रिएक्शन आया, इसका कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर है रवि पवार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रवि पवार अपनी कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और सिल्वर मेडल जीतने के बाद रवि पवार ने क्या रिप्लाई किया अपने फैंस और हेटर्स को, आप उसको सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो फाइनली एमेच्योर ओलंपिया 2022 भी खत्म हुआ और फाइनली अपना सिल्वर मेडल आया है। और कोई भी मेरा भाई, मैसेज मत करना कि आपका गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, चीटिंग हुई, ये हुई, वो हुई, ना ऐसी स्टोरीज को भाई पैक करना। मैं कोई शेयर नहीं करूँगा, ना इससे रिलेटेड कोई रिप्लाई करूँगा किसी भाई का। जो भी प्लेस मिली, आई एक्सेप्टेड इट, ठीक है, आज नहीं तो कल गोल्ड आ जाएगा। लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों, राजा जीत की तरफ से भी अपडेट आ गया, वो इस पिक को शेयर करते हैं और इसमें लिखते हैं, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज अंटिल नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजा अजीत मैन फिजिक कैटेगरी में जो मुंबई प्रो शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें वो टॉप फाइव में नहीं आए, टॉप फाइव के बाहर थे। दोस्तों, राजा अजीत की कौन सी रैंकिंग आई इसके विषय में जल्द ही हम आपको अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए क्या कहा, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या तरुण गिल सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। भाई, बहुत घोर अपमान हो गया स्टेज का। बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे किसी बॉडी बिल्डर ने लड़की को प्रपोज कर दिया और किस भी कर दिया, स्मूच कर दिया। भाई साहब, दिस इज रॉन्ग, बॉयकॉट करना चाहिए इसको, बॉयकॉट बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो भाई, हम स्टेज पे वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे गलत, बहुत गलत। बोलो ना, क्या हो गया? अबे सोच बदलो भाई, 2023 है, अब हो जाएगा 2 महीने में। और सोच तुम्हारी भाई 1970 वाली। सो भाई साहब, जमाना बदल रहा है, अपने आप को बदलो, सोच को बदलो, बिकॉज अब तो टाइम आ गया है जनाब। सो भुवन माय मैन, कांग्रेचुलेशंस फॉर किकिंग एवरीवन्स एस, सबके मुंह बंद हो गए। बाय द वे, आई वांट टू इनवाइट यू टू बिग फिट क्लासिक जो होने वाला है 5, 6, 7 नवंबर को दिल्ली में, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वॉच मी किक एवरीवन्स एस नाउ, बिकॉज बहुत मजा आने वाला है। सबसे बड़ा प्राइज मनी है, इट्स ह्यूज। सो आई वांट इनवाइट यू एंड एवरीबॉडी, आओ एंड सी हाउ द बिगेस्ट फ्रिगिंग इंडियन कॉम्पिटिशन लुक्स लाइक। सो भुवन, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। हम देख रहे हो। सो आज से 2 दिन पहले मैंने 2 प्रेडिक्शन करे थे। प्रेडिक्शन नंबर 1 कि प्रो शो कौन जीतने वाला है मुंबई में, और वो मैंने कहा था भुवन जीतेगा। और कौन जीता? भुवन चौहान। सो उन्होंने सबके मुंह पे तमाचा मार दिया और ये बता दिया कि हु इज द फकिंग बेस्ट, हु इज द फकिंग बेस्ट बॉडी बिल्डर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड दैट इज भुवन चौहान। और दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये थी कि इंडिया में से प्रो कार्ड कौन लेके जाने वाला, और मैंने कहा था सिद्धांत जायसवाल। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धांत जायसवाल, सिद्धांत भाई वेरी वेल डिजर्व्ड प्रो कार्ड, एंड आई एम श्योर यू गोना रॉक एट द इंटरनेशनल स्टेज ऑल्सो। बहुत खुशी हुई है मुझे, इतने सालों का एफर्ट फाइनली। और मैं देख रहा था तुम रोए जा रहे थे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड मैन दैट इमोशन। सो कंग्रेचुलेशंस टू द बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू किल्ड द कंपटीशन। दोस्तों, माय नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है राहुल फिटनेस। दोस्तों, हम राहुल फिटनेस का ये आपको सेपरेट वीडियो दिखा रहे हैं जो वो मेन फिजिक कैटेगरी से मुंबई प्रो शो में पार्टिसिपेट किए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राहुल फिटनेस जो आए वो टॉप 3 में, मतलब कि जो उनकी पोजीशन आई है वो 3rd नंबर पर आई, मतलब कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों, राहुल फिटनेस ने 3rd नंबर पर आने के बाद उन्होंने क्या अपडेट दी है, अपने सभी फैंस को क्या रिप्लाई किया, इसका कंप्लीट वीडियो सुन लेते हैं। सभी भाइयों को राम राम भाई, इतना सारा आप लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरा फर्स्ट शो था और इतनी ज़्यादा वोटिंग, मेरे को लगता नहीं था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे को इतना जानते हैं।
इसके लिए मैं आपका तहे दिल से भाई हाथ जोड़ के आप लोगों का नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा फर्स्ट प्रो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को थर्ड आया। मैं अभी और अच्छी मेहनत करूंगा लाइफ में और आगे बढ़ूंगा, आप लोगों के सपने को साकार करूंगा, जो भाई लोग मुझे इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया। अभी मैं रेस्ट करूंगा 5-6 महीने और फिर अगेन कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा अच्छी मेहनत करके अपने गुरु जी के पास जाऊंगा, मुकेश जी के पास। सबसे पहले मैं खाटू श्याम जी के पास जाऊंगा, उनका बर्थडे है 4 तारीख को भाई, तो जिस भाई को मिलना है वहाँ पे आ जाना, खाटू श्याम जी का बर्थडे बनाएंगे बहुत तगड़े वाला, उनके चरणों में ले आके गिफ्ट रखना है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की देन है और मेरे गुरु जी की कृपा है और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और आप लोग सब, आप सभी लोगों का प्यार और मेरे दो दोस्त बैठे पीछे, मेरे लकी चैंप गौरव और कटोच। तो भाई ये दोनों मेरे लिए बहुत लकी है, ये जहाँ भी जाते हैं हम मेडल लेके जाते हैं, 5 बार मेरे साथ गया और मैं 5 बार गोल्ड लेके आया हूँ। मेरा फर्स्ट शो था, बड़े बड़े एथलीट थे, मेरे को बड़ा मजा आया और मैं फर्स्ट बंदा बना जो टॉप 3 में आया इंडिया से जितने भी प्रो हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती और मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू वेरी मच भाई इतना सारा प्यार देने के लिए, लव यू मेरे भाई। और जो भी क्वेश्चन आंसर आपके है, अभी मैं एक क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, एक क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो यूट्यूब के ऊपर आएगी और मेरा प्रो शो का भी वीडियो आएगी और एक फनी सी वीडियो बनाएंगे, मैं नहीं तो कौन भी। तो भाई आप देखना जरूर, मजा बहुत आएगा। सभी भाइयों हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम भाई, सभी खुश रहो और अपने सपनों को पूरा करो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं भाई, अभी वीडियो की तैयारी करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे अपने यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है इमरान खान और ये कतार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे मुंबई पुरुषों में मैन फिजिक कैटेगरी से। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि मुंबई पुरुषों को मैन फिजिक कैटेगरी में भुवन चौहान ने जीता है और सेकंड नंबर पे आए थे इमरान खान। तो दोस्तों सेकंड नंबर में आने के बाद इमरान खान ने मुंबई पुरुषों और भुवन चौहान को क्या चैलेंज किया, क्या रिप्लाई किया है, आप इसका वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर इमरान खान के साथ गलत हुआ, क्या इमरान खान मुंबई पुरुषों को जीत सकते थे, क्या वो उस लायक थे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आगे भी बॉडी बिल्डिंग और कॉम्पिटिशन से जुड़े सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। तो ये बंडिया निकलना जरूरी है, बंडिया नहीं भैया, देखो आपको हम दोनों का सामान है इसमें। तो ये क्या था फिर, इंडिया 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 हैदराबाद 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 हैदराबाद। चलो खैर मुश्किल नहीं, वो में याद रखो ये सेकंड प्लेस है, फर्स्ट से ज्यादा है इन्हें, फर्स्ट से ज्यादा है इन्हें, सब जने देख लो यूट्यूब पे हर चीज पे देख लो कौन फर्स्ट प्लेस है, कौन कितने पानी में थे। बट खैर लेट्स सी इन ओलंपिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओलंपिया में मालूम होता है। गेम अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त भाई, मगर बंडी ने ढकलना था तुम यार, बंडी में ढकलने में बहुत मजा है। पाशा भाई की हरीस है नहीं है, फिर अब सुबह उठते ही पाशा भाई की हरीस खाना है, माशाल्लाह हरीस खाना है, देखो कोस किसको आना है, आ जाइए इंशाल्लाह, आ जाओ। तो रुको जरा, सबर करो। तो दोस्तों अपने भुवन चौहान कहाँ पीछे हटने वाले थे और इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्होंने प्रूफ के तौर पे इस स्कोर बोर्ड को शेयर किया जिसमें सभी बॉडी बिल्डर को जो मुंबई पुरुषों में मैन फिजिक कैटेगरी में खेल रहे थे उनको क्या पॉइंट मिले, उनकी क्या प्लेसिंग आई है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर डिटेल पूर्वक देख सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर साइड भुवन चौहान को देख सकते हैं और नीचे साइड देख सकते हैं इमरान खान को कितने पॉइंट मिले, जजिंग के आधार पर क्या मतलब प्लेसिंग आई, आप हर चीज़ देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो दोस्तों यहाँ भुवन चौहान ने तो प्रूफ के तौर पर स्कोर बोर्ड भी शेयर कर दिया। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या इमरान खान सही है या फिर भुवन चौहान, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग क्या लगता है कि ओलंपिया में कौन किसको बीट करेगा, इमरान खान भुवन चौहान को या फिर भुवन चौहान इमरान खान को ऑलरेडी बीट कर चुके हैं और वंस टाइम मोर अगेन ओलंपिया में भी बीट करेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ, वीडियो नॉलेज फुली लगाओ, आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग और कॉम्पिटिशन से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट्स मिल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।